नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए हमने रीवा विधानसभा सहित आठों विधानसभा में बेहतर प्रत्याशी दिए हैं। हर चीज का कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा था। हम कह सकते हैं इस बार हम लोग आठों सीटें जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने जीत की शुरुआत की, पिछले साल रीवा में कांग्रेस पार्टी का महापौर बनाकर लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, परिवर्तन की बयार बह रही है। हम आठ की आठों सीट जीत रहे हैं, ये कहना था कांग्रेस के रीवा जिले के प्रभारी पूर्व सांसद विदिशा प्रताप भानु शर्मा का। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कार्यालय का उद्घाटन, आठ की आठों जगह पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, संघर्ष करना पड़ा प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के लिए। देखिए, कांग्रेस कमेटी से नाम बुलाए गए और सर्वे के आधार पर उनकी ग्राउंड रिपोर्ट भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने और AICC ने ली और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जीतने लायक हमारे पार्टी ने समझा उनको उम्मीदवार बनाया है। सामंजस्य बिठाकर क्षेत्र की डेमोग्राफी देखते हुए और जाति समीकरण देखते हुए इस बात का निर्णय लिया गया है। आपने सारे समीकरण को दिमाग में रखते हुए पिछली बार आपने एक भी सीट नहीं जीती, क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, हमने पिछले साल बता दिया कि इस बार रीवा जिला जीत के लिए तैयार है। अच्छा उम्मीदवार दीजिए आप, जीत आपकी झोली में आएगी। रीवा का मेयर हमने 11,000 वोटों से जीता। ये चुनाव बड़ी स्पर्धा का चुनाव था, नेक टू नेक कॉन्टेस्ट था, पर लोगों में बदलाव की भावना थी। अच्छा चेहरा पार्टी ने दिया तो अब अजय मिश्रा बाबा एक अच्छे मेयर के रूप में, एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में निकल कर आए और अब हमें विश्वास है कि रीवा से जो पार्टी ने रायन शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया है, ये एक रायन शुक्ला के मुकाबले वजनदार उम्मीदवार है, बात के धनी हैं, जनता जनार्दन से जुड़े हैं। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।